नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या जब भी कोई आपसे कहता है कि मैं ढोलक पर भजन गा रही हूँ, आप डांस कीजिए, तो आप दो कदम पीछे हट जाती हैं और कहती हैं, ढोलक पर डांस मुझसे तो नहीं होगा। तो अब आपको ऐसा बोलने की और दो कदम पीछे हटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप ढोल पर और ढोलक पर किस तरीके से डांस कर सकती हैं। पहली स्टेप देखते हैं। इसमें आपको अपने दोनों हाथ बॉडी के बगल में रखने, बहुत ज्यादा चिपका के भी नहीं और बहुत ज्यादा अलग भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे हाथ, और हथेली दोनों हाथों के नीचे की तरफ होगी। अब आपको लेना है राउंड ये, और आपको किसी भी डायरेक्शन में रुकना है। जैसे मैंने अपना फेस पहले लेफ्ट की तरफ किया है, आप चाहे तो राइट की तरफ भी कर सकते हैं। अब आपको आगे वाला हाथ, जैसे जो मेरा राइट वाला हाथ है ये मैं ऊपर रखूंगी, और जो लेफ्ट वाला हाथ है वो नीचे की तरफ रहेगा। हथेली दोनों हाथों की बाहर की तरफ ही रहेगी और एक साथ ही मूव करेगी, अंदर बाहर अंदर बाहर, ठीक है। बस एक हाथ ऊपर रहेगा और एक हाथ नीचे की तरफ। 1 2 3 4। फिर आपको राउंड लेना है और दूसरी तरफ रुक जाना है। ये सेम, आगे वाला हाथ ऊपर और पीछे वाला हाथ नीचे की तरफ, फ्लिप आपको सेम ही करना है। 1 2 3 4। तो पूरा स्टेप क्या रहेगा, एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं। यहां है अब राउंड स्टॉप। 1 2 3 4 राउंड स्टॉप। 1 2 3 4। ये स्टेप आपको समझ आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड स्टेप देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको दोनों हाथ इस तरीके से जॉइंट करने हैं। पहले एक शोल्डर को टच करना है, फिर दूसरे को, फिर कमर, और फिर दूसरी तरफ। ओके, पैर आपके चलेंगे 1 2 3 4। आप कोई भी पैर आगे निकाल सकते हैं, मेरा लेफ्ट पैर बाहर है और हमें उसे उठाना है। 1 2 3 4, बस उठाना है और रखना है, ठीक है। और स्टेप क्या रहेगा, 1 2 3 4। इसके बाद अपने दोनों हाथ किसी भी डायरेक्शन में ले जाने हैं। हथेली बाहर की तरफ रहेगी दोनों हाथों की पहले, फिर 1 2 3 4। फिर सेम रिपीट करनी है स्टेप, 1 2 3 4। फिर दूसरे डायरेक्शन में 1 2 3 4। तो पूरा एक बार दोबारा से काउंटिंग के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए थर्ड स्टेप देखते हैं। इसमें पैर आपको सेम वही चलाने हैं जो आपने सेकंड स्टेप में चलाए थे, और हाथों का स्टेप रहेगा। आपको अपना एक हाथ मोड़ते हुए शोल्डर को टच करना है, छोटी उंगली शोल्डर को टच करेगी यहां पर और बाकी सारी उंगलियां खुली रहेंगी इस तरीके से, और दूसरा हाथ एल्बो को टच करेगा और आपको करना है। और जब आप स्टेप को करेंगे तो शोल्डर पहले सामने आ जाएगा, जिस साइड से भी आप कर रहे हैं उस साइड का शोल्डर पहले सामने रखेंगे। 1, फिर दूसरे साइड से 2 3 4, और फिर 5 6 क्या रहेगा, आपने 4 पे खत्म किया यहां, और 5 क्रॉस करते हुए दोनों छोटी उंगली शोल्डर को टच करेंगी। 6, सेम दूसरी साइड से 7 8। तो पूरा स्टेप क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए चौथी स्टेप देखते हैं, आपको पैर किस तरीके से चलाने हैं। 1 2 3 और 4। मैं एक बार साइड से बता देती हूं आपको। 1 नीचे रखना है और पीछे वाला पैर उठाना है। 2 फिर उसे रखना है, आगे वाला 3 4, ठीक है। तो एक बार काउंटिंग के साथ पहले पैर चलाना सीखते हैं। 1 2 3 4। अब आपको हाथों के स्टेप किस तरीके, आपको एक हाथ ऊपर करना है और एक हाथ नीचे की तरफ, और बस आपको हाथों को घुमाना है इस तरीके से। और जो भी हाथ आपने पहले ऊपर किया है, जैसे मैंने राइट हाथ पहले ऊपर किया है तो मैं लेफ्ट की तरफ से राउंड लूंगी, अगर मैं लेफ्ट हाथ पहले ऊपर करती तो मैं राइट की तरफ से राउंड लेती, ठीक है। तो एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो चलिए अब पांचवी स्टेप देखते हैं. आपको किसी भी डायरेक्शन में टर्न करना है इस तरीके से. मैं आपको राइट की तरफ से बता रही हूँ, आप चाहे तो लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं. पहले मैंने राइट की तरफ किया है तो मेरा लेफ्ट वाला हाथ आगे होगा और राइट वाला हाथ पीछे की तरफ. हमें आगे वाले हाथ को कमर पे रखना है और पीछे वाले हाथ को ऊपर इस तरीके से, और घुमाते हुए नीचे लाना है. कमर चलती रहेगी, पैरों को नहीं चलाना है, बस अपना एक पैर आगे रखना है और एक पैर पीछे की तरफ. ठीक है, तो एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जब हाथ नीचे आ जाएगा तो अपने दोनों हाथों को एक बराबर में लाते हुए डायरेक्शन चेंज करेंगे. सेम फिर सारी स्टेप को रिपीट करेंगे, आगे वाले हाथ को कमर पर, पीछे वाले हाथ को ऊपर, और स्टेप को करेंगे रिपीट. तो एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. रिपीट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चेंज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो चलिए एक बार सारी स्टेप्स को म्यूजिक के साथ भी देख लेते. आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. तो अब आपको जो ढोलक पर भजन गाए जाते हैं उसमें डांस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. ये स्टेप सीखकर आप हर गाने पर, ढोल पर, ढोलक पर डांस कर सकते हैं. तो अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप बहुत अच्छे से डांस सीख पाए और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए.